तेज प्रताप यादव जब भी मीडिया में आते हैं तो सुर्खियों में बन जाते हैं। आज एक बार फिर राजद दफ्तर पहुंचकर तेज प्रताप ने मीडिया की सुर्खियां बटोर ली। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के हाई वोल्टेज ड्रामे से राजद दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तेज प्रताप अचानक दोपहर बाद राजद दफ्तर में पहुंचे और 10 मिनट रहने के बाद वहां से बाहर निकले। इस दौरान जगदानंद सिंह भी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। खुद का स्वागत नहीं किए जाने से नाराज तेज प्रताप ने बाहर निकलकर जगदानंद सिंह पर चौतरफा हमला बोल दिया। थे आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। रामचंद्र पूर्वे थे तब भी ऐसा होता था क्या? वो थे तो नहीं होता था, हम भी आते थे तो हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पे आते थे। वही तेज प्रताप यादव के आरोपों के बाद जगदानंद सिंह की बोलती बंद हो गई। मीडिया कर्मी जब उनसे सवाल पूछने लगे तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सबको पार्टी को मजबूत करने का अधिकार है और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे मिल बैठकर दूर कर लेंगे। पार्टी ना हम किसी से नाराज हैं और ना हमसे कोई नाराज है, बात कर लेंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए। बता दें कि तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव की करीबी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के बीच की तकरार की खबरें पहले भी सामने आई थी, जिसके बाद राबड़ी देवी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा था कि तेज प्रताप तो बच्चा है और जगदानंद पार्टी के गार्जियन हैं। जगदानंद सिंह के हाथ में राजद सुरक्षित है और नेतृत्व को लेकर कोई खींचतान नहीं है। नहीं चल रहा है, तेज प्रताप के बयान से सनसनी फैल गई है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जगदानंद सिंह सरीखे नेताओं के चलते उनके पिताजी की स्थिति ऐसी हो गई है। हालांकि जगदानंद सिंह ने गोलमोल जवाब दिया है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।